हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो है कि बहुत अच्छा फेस पैक है। ये पैक आपको जो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा पिंपल है आपके फेस पर, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन मतलब टाइट नहीं रहती है, तो इससे आपकी स्किन टाइट भी होगी, ब्राइट भी होगी एंड आपकी स्किन पर जितने भी ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। आपकी स्किन पर अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो वो भी आपके धीरे धीरे दब भी जाएंगे और वो नए निकलेंगे भी नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और आप उसको देखिए, आपको कोई भी चीज़ करने के लिए मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस एकदम क्लीन रहे, अच्छा रहे, ग्लो करे, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है फ्रेंड्स। और मेहनत करना, जब मेहनत करेंगे तो फल भी ज़रूर मिलता है। तो कोई भी गर्ल हो, कोई भी बॉय हो, मतलब कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, अगर वो लोग कोई भी किसी भी काम में अगर अपना मन लगाते हैं, अगर अच्छे से कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट मिलेगा। और आप मेरे फेस पर देख रहे हो, मेरा फेस एकदम क्लीन है। मैंने अभी तक कोई मॉइस्चर भी नहीं लगाया है अपने फेस पर। मैंने सिर्फ अपने फेस पर ये लिप पर मैंने लिप बाम लगाया है, वो भी मेबलिन का लिप बाम, बेबी लिप बाम है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। और मैं मेबलिन की बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इससे मेरे लिप्स एकदम हाइड्रेट रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसको कोई भी एज वाले लगा सकते हैं, चाहे 16 का हो, मतलब टीनेज गर्ल हो, या फिर आप 50 प्लस हो, मतलब 16, 17, 18 से लेकर 50 प्लस तक आप एज ग्रुप के लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, चाहे आप ऑयली स्किन हो, आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन वाले इसको ना लगाएं, दही का इस्तेमाल नहीं करें। और अगर वो लगाना चाहते हैं तो कोकोनट मिल्क होता है, आप उसके साथ बना सकते हो, या फिर आप ग्लिसरीन के साथ बना सकते हो। आपको अगर हनी नहीं सूट करता है तो आप इसको रोज़ वाटर के साथ भी बना सकते हो, लेकिन आप इसको बनाइए और लगाइए, बहुत सूटेबल है ये पैक। आप जब लगाएंगे ना तो आपकी स्किन एकदम टाइट तो होगी ही, आपके पिंपल भी नहीं होंगे, आपके जो एक्ने हैं वो भी नहीं होंगे। और ये सारी एज ग्रुप के लिए है तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट पार्ट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को, नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है, लाइक करना भी फ्री होता है। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन आएगी, बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, जैसे ही हिट करेंगे तो मेरा नया वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो को यहीं बाय करती हूँ, देखते हैं आगे, देखिए चलिए। तो फ्रेंड्स, इस पैक को बनाने के लिए चाहिए मुझे कर्ड, बस इतना ही कर्ड ले रही हूँ मैं, एक चम्मच कर्ड लिया है मैंने। और मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर, थोड़ा ही लूँगी, मुझे सिर्फ फेस के लिए बनाना है। और ये पिंपल के लिए बहुत ही अच्छा है, पिंपल प्रोन स्किन है आपकी, एक्ने है आपको, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। देखिए, मैं इतना ही ले रही हूँ, सिर्फ इतना ले रही हूँ, ये है ऑरेंज पील पाउडर। और फिर लूँगी मैं जो अरहर दाल होती है, उसकी वो लाल वाली दाल होती है ना, मसूर दाल, उसका भी उतना ही मैं ले रही हूँ। ये देखिए, मसूर दाल को भी उतना ही ले रही हूँ, लेटस जो बोलते हैं वो है ये, तो मैं इसको भी इतना ही ले लूँगी। आपकी पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छी है ये दाल, क्योंकि ये इस दाल से आपके पिंपल्स ठीक होंगे ही, और आपके जो एक्ने जो निशान है वो भी इससे जाएंगे, और जो पिंपल्स हैं वो भी इससे दबना शुरू हो जाते हैं। तो और मैं ले रही हूँ इसमें टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा ही लिया है मैंने। और मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर, ये मैंने घर में बनाया था तो मैं वही ले लूँगी।
इसको मिक्सअप करने के लिए थोड़ा सा थिक पेस्ट होगा क्योंकि ये, तो मैं रोज वाटर ले रही हूँ, बस इतना ही लूंगी और मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है, और ये पैक आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। दही तो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता ही है। तो चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फेस को थोड़ा सा रोज़ वाटर से, ये मैंने घर में बनाया था, मैं उसको ही अप्लाई कर लूँगी और थोड़ा वेट कर लूँगी अपने फेस को। दैट्स इट, और मैं अब इसको अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। मैं इसी से ही अप्लाई कर लूंगी, इससे स्पून से ही। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर कलर लग रहा है। और अगर आपको ये, आप इस पैक को रोज भी लगा सकते हो और इसे हल्की सी मसाज करके आप अपने फेस से हटाइए 20 मिनट बाद। हल्का हल्का मसाज देना है क्योंकि अगर आपको पिंपल्स होंगे तो मसाज भी नहीं देनी है, सिर्फ आपको वॉश कर देना है। अगर आपको एक्ने के निशान हैं, मतलब दाग हैं, धब्बे हैं, थोड़े से दाग धब्बे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा रब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको रब नहीं करना है, सिर्फ आपको वॉश कर देना है। क्योंकि आप पिंपल्स को रब करेंगे तो और पिंपल फैलने का डर होता है, तो आप ऐसे ही अप्लाई कर लीजिए और वॉश कर लीजिए। ये फेस पैक आपकी स्किन को ग्लो तो देगा ही, लेकिन आपके जो पिंपल्स होंगे वो भी इससे सही होंगे, मतलब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी ऑयलीनेस भी कम होगी। और दाल जो मैंने डाली है, मसूर दाल जो ली है, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करेगी और आपकी जो पिंपल्स होंगे वो बिल्कुल ट्रीट हो रहेंगे। और मैंने थोड़ी टर्मरिक डाला है, तो टर्मरिक मैंने एंटीबैक्टीरियल होता है टर्मरिक, तो मैंने वाइल्ड टर्मरिक लिया है। आप किचन हल्दी भी ले सकते हो। मैं ये सिर्फ फेस पर लगाऊंगी, वैसे तो मैं नेक पर भी हमेशा ही लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे नेक पर नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ड्राई हो गया है, हल्का हल्का ड्राई भी हो गया है और कहीं कहीं गीला भी है, मतलब। तो मैं अब इसको थोड़ा सा रब करके इसको निकाल देती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा टाइटन अप हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फेस एकदम टाइट हो जाता है क्योंकि मैंने इसमें ऑरेंज पीच पाउडर डाला था, तो बहुत ही इसकी टाइटन अप हो गई है और जो आपके ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो गए हैं। तो चलिए इसको वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेस कितना अच्छा हो गया, कितना ग्लोई हो गया और कितना रिफ्रेश। और जो आपके एक्ने हैं तो आपको उसमें ही पता चलेगा कि ये वर्क किया या नहीं। मुझे तो एक्ने नहीं है और ना मुझे पिंपल्स हैं, तो आप जब आपको है तो आप उसको जब लगाएंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए मैं वॉश कर आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मेरा फेस आप देख रहे हो कितना क्लीन हो गया है। और ये तो देख भी रहे हैं आप कि कितनी शाइनिंग भी आ गई है मेरे फेस पर। देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है मेरा फेस और मेरी स्किन एकदम बिल्कुल हाइड्रेट लग रही है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन तो नहीं है, मेरी ड्राई है, लेकिन ये मैंने लगाया था तो और टाइटन अप लग रही है मेरी स्किन, बहुत ही अच्छी लग रही है मेरी स्किन। तो आप लोग इस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पिंपल्स हैं तो उस पर भी वर्क करेगा, आपकी स्किन ऑयली है तो उस पर भी वर्क करेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पैक को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसमें कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा पैक है। तो आप इस पैक को ज़रूर बनाइए, और आप अगर मेकअप भी नहीं करना चाहते हो ना तो आपकी स्किन ऐसे ही ग्लो करेगी और सिर्फ आपको
इसको हटाने के बाद जब आप धुल लेंगे तो आप कोई मॉइस्चर लगा सकते हो। अगर आप नाइट में इसको लगा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो आप इसको रोज़ भी लगा सकते हो और आप एक दिन छोड़ के मतलब टॉयज ऑफ डे भी लगा सकते हो, तो मतलब कभी भी आप लगा सकते हैं, दो तीन दिन बाद भी लगा सकते हो, जैसे आपके पास टाइम हो उस तरह से लगा सकते हो। तो ये सारी एज ग्रुप के लिए है, जैसे आप 16 एज के हैं तो भी टीन एज गर्ल तो लगा ही सकती हैं, 16 से आप 50 प्लस तक आप लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा है ये पैक और आपको ज़रूर सूट करेगा, सारी स्किन सूटेबल मैंने ये पैक बनाया है, आप ये पैक ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये पैक बहुत ही अमेजिंग है और ये बहुत ही अच्छा लगता है लगाने में। आपकी स्किन एकदम, जब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है ना तो ओपन पोर्स भी इससे श्रिंक हो जाते हैं, और अगर आपको पील ऑफ पाउडर आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप घर में बना लीजिए, बस टू ऑरेंज लेना है और उसको आपको पील करके रख लेना है, अच्छे से वॉश करके सूखने के लिए रख दीजिए क्योंकि समर्स हैं तो इस समय तो बहुत जल्दी हर चीज़ सूख जाती है, तो आप उनको सुखा लीजिए। सुखाएंगे तो एकदम से आपके घर में ये ओरिजिनल होगा, अच्छा फ्रेश भी रहेगा, और इसको एयर टाइट डब्बे में आपको उसको रख लेना है, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ इसको, तो मैंने ये घर में ही बनाया था और ये बहुत ही अच्छा है, मैंने ये पिछले साल बनाया था तब से ये मेरे चल रहा है, बट ये बहुत ही अच्छा रहता है, आप ये कभी भी लगा सकते हो, किसी भी वेदर हो, कोई भी वेदर हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक करेंगे आप मतलब अच्छा लगता है लाइक करने में, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ कंजूसी मत किया करिए लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग मेरे वीडियो पर नए देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड बटन होता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप हिट करोगे तो मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बात हो जाती है और पता नहीं कितना बड़ा लेंदी हो गया है वीडियो क्योंकि मुझे अभी इसको एडिटिंग भी करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है तो बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, और इस मेहनत का थोड़ा सा तो फल दे दीजिए, थोड़ा सा तो आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाय।